अस्सलाम वालेकुम ग्रेड एट, हमारा चैप्टर मिड टर्म का जो चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम था वो हाफ कंप्लीट हो चुका है। उसमें हम लोग ने किडनी, किडनी का फंक्शन, उसका एक पार्ट नेफ्रॉन, उसको डिटेल में डिस्कस किया था और किडनी डिजीज़ को डिस्कस किया था। अब जो हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। ये पेज नंबर 95 पे है। अच्छा, नर्वस सिस्टम हमारे पास एक एडवांस सिस्टम है जिसके अंदर जो हमारी इमोशंस, हमारे थॉट्स और हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशन और एक्सटर्नल कंडीशन दोनों को, इनसाइड और आउटसाइड दोनों कंडीशंस को ये कंट्रोल करता है। और यही वो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ही वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कमांड देता है कि अब हमें क्या करना है आगे। अच्छा, जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है इसमें सेल्स भी होते हैं, टिश्यूज़ भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस सिस्टम को टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो पहला जो सिस्टम है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ब्रेन में और एक स्पाइनल कॉर्ड में। तो ब्रेन में हमारे पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास 43 सेंटीमीटर लॉन्ग हो है और इसका वेट 35 to 40 grams होता है। वर्टिबल कॉलम हमारे पास कितना, ये वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास 43 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और जो वर्टिबल कॉलम है हमारे पास 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये जो आप लोग, ये हमारे पास ब्रेन है और ये जो येलो लाइन है ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। ये यहाँ पे 43 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। इस लेकिन हमारे पास जो वर्टिबल कॉलम है, जो बोन्स हैं ब्राउन ब्राउन जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास वर्टिबल कॉलम है और ये 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब वन बाय वन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग आज सिर्फ ब्रेन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन किस तरीके का दिखता है। बहुत से लोगों ने शायद ब्रेन देखा भी हो, अभी हम लोग जो बकरीद हुई थी उसमें शायद आप लोग ने ब्रेन देखा हो, दिमाग। ब्रेन सॉफ्ट शाइनी ग्रेइश वाइट मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारी खोपड़ी होती है उसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। अच्छा, बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे ब्रेन का वेट कितना होता है, 350 to 400 grams होता है। बट इन एडल्टहुड इट वेट्स इज अबाउट 1.36 grams। अच्छा, हमारे पास जो मेल का जो ब्रेन होता है वो 10% लार्जर होता है फीमेल से। ब्रेन को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक हमारे पास ग्रे मैटर एक वाइट मैटर में। जो हमारे पास ग्रे मैटर होता है वो आउटर पोर्शन होता है और जो वाइट मैटर होता है वो इनर पोर्शन होता है। ब्रेन में हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पहले भी बात बताई थी कि हमारे पास ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो मैसेज की ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करवाते हैं। जो हमारे पास ग्रे मैटर होता है ये किससे मिलके बनते हैं, न्यूरॉन सेल बॉडी से मिलके बनते हैं। न्यूरॉन्स हमारे पास जो न्यूरॉन्स मैसेजेस ट्रांसफ़र जो करवाते हैं न्यूरॉन सेल बॉडी से मिलके बनते हैं। वाइट मैटर जो हमारे पास वो एक्सॉन से मिलके बनते हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। एक हमारे पास डायसेफेलॉन है, एक सेरिब्रम है, एक सेरिबेलम है और एक ब्रेन स्टेम। डायसेफेलॉन हमारे पास ब्रेन स्टेम से ऊपर होता है, इसके डायग्राम। ये हमारे पास ब्रेन स्टेम है, ये यहाँ पे डायसेफेलॉन प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास डायसेफेलॉन है। डायसेफेलॉन में हमारे पास थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। थैलेमस का फंक्शन क्या होता है, ये सेंसरी प्रोसेसिंग को रेगुलेट करता है और मूवमेंट को रेगुलेट करता है। हम लोग जो चलते फिरते हैं वो थैलेमस इसको कंट्रोल करता है और जो सेंसरी प्रोसेसिंग, जो भी हमारे में सेंसेस, जो हम लोगों के 5 सेंस हैं वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो भी थैलेमस की वजह से ही परफॉर्म करते हैं, थैलेमस इसको कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शन है कि हमें बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये इमोशन, हंगर, थर्स्ट इन सब को ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ये हमारे पास सेरिब्रम है।
और ब्रेन में सबसे ज़्यादा जो वेट होता है वो इसी का होता है, सेरिब्रम का ही वेट होता है। 80% वेट सेरिब्रम का होता है। सेरिब्रम भी हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, इस तरीके से सही। हमारे पास राइट हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, और जो हमारे पास ये जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। मतलब जो ये हेमिस्फीयर्स हैं वो अपोजिट साइड्स, बॉडी के अपोजिट साइड को कंट्रोल करते हैं। अब जो ये हेमिस्फीयर हैं उसको मज़ीद फोर लूज में डिवाइड किया है, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। जो फ्रंटल लूप है वो हमारे पास मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जो पेरिटल है वो हमारे पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, पोजिशन, इन सब को कंट्रोल करता है। टेम्पोरल हमारे ड्रीम्स, मेमोरी और इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करता है। और जो ऑसिपिटल है ये विजन को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये हमारे पास डायसेफेलॉन था, ये डायसेफेलॉन, ये सेरिब्रम, ये सेरिबेलम, और ये हमारे पास ब्रेन स्टेम। इस सेरिबेलम में इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? ब्रेन स्टेम से आती है। ये हमारे पास ब्रेन स्टेम पे इससे इंफॉर्मेशन आती है सेरिब्रम में। ये इसके जो फंक्शन कितने, थ्री मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक यहाँ पास बैलेंसेस इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रंक, मसल टेंशन, पोस्चर, बैलेंस ऑफ लिम्स, मोटर कंट्रोल और आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हमारे जो पोस्चर, हम लोग जो हमारे बॉडी बैलेंस करता है, ये हमारे पोस्चर को कंट्रोल करता है। जो मसल टेंशन होती है उसको कंट्रोल करता है, मसल की मूवमेंट वगैरह। हमारी आई मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। अब जो हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट है वो ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम है, इसमें हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, ये सब ब्रेन स्टेम के पार्ट्स हैं। जो हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का ही, जो हमारे पास मेडुला है स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट होता है, लेकिन ये एक्सटेंड हमारे पास ब्रेन तक एक्सटेंड होता है। मतलब थोड़ा बड़ा होता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन में भी चला जाता है। जितने भी हमारे पास मैसेजेस वगैरह होते हैं उसकी ट्रांसमिशन उस मेडुला की वजह से होती है। इसके हमारे पास जो फंक्शन है, थ्री मेन फंक्शन है, ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्रीथिंग और एस्पायरेशन को रेगुलेट करता है, और वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, स्वेलिंग, इन सब को रेगुलेट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पे हमारे पास ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट करेंगे।